12 जनवरी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति व जिला गंगा समिति की बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। जिला पर्यावरण समिति की बैठक में नगर निगम द्वारा बताया गया कि सथरापुर निर्माणाधीन सॉलिड वेस्ट प्लांट की पर्यावरण स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सीए कमेटी में प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है। उनके स्तर से एक माह में अग्रिम कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्लांट की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु एक माह के अंतर्गत अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। सहायक अभियंता वाय पायंद्रो जल निगम शहरी द्वारा बताया गया कि सराय तल्फी पर स्थापित 35 एमएलओडीओ एसओटी यूरोपी जीरो प्लांट अभी भी वर्तमान में 10 एमएलओडीओ पर ही संचालित हो रहा है। अभी वर्तमान में 09 नालों का कनेक्शन होना शेष है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि 45 एमएलआरडीनर का प्लांट 10 एमएलआरडीजारों पर संचालित हो रहा है। इस प्रकार शेष 25 एमएलआरडीजार गंदा पानी नदियों व जल स्रोतों को गंदा कर है, जो मां सर्वोच्च न्यायालय व मां एनओजीटी के आदेशों की अवहेलना है। जिलाधिकारी ने प्लांट की क्षमता बढ़ाए जाने हेतु 2 माह पूर्व आयोजित बैठक में जल निगम शहरी को निर्देश दिए थे, किंतु दिए निर्देशों के